हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके, मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और वीडियो द्वारा अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करते होंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कल हमने क्या पढ़ा वो रिवीजन कर लेते हैं एक बार। उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, देखिए यहाँ दिया है मैं ऊ हूँ, मेरी मात्रा ऐसी है, ठीक है। ऊ की मात्रा मैं आपको बताई हूँ ना कि पैरों के नीचे लगाई जाती है, कोई भी शब्द हो उसके नीचे हम ये ऊ की मात्रा लगाते हैं। उपवन, उपहार, पुल, गुड़िया, कछुआ, उठ, उषा, मुनि, पशु, धनुष, उधर, उजाला, गुलाब, लुटिया, बुलबुल, उपटन, उदय, बुराई, कुमकुम, गुलाल। अब यहाँ था मात्रा लगाइए, तो जो सर्कल दिया था उस पर हमने मात्रा लगाई। दुकान, मुकुट, सुबह, धनुष, खुश और दोपहरे। दोपहरे मीन्स क्या होता है? दोपहर, नून। फिर हमने अभ्यास किया। ओके, ये अभ्यास किया, ये उच्चारण किया, फिर प्रश्न सही उत्तर के सामने टिक लगाया। गुड़िया किसकी थी? कुसुम की गुड़िया थी। किसने चुनरी कुतरी? चूहिया ने। नई चुनरी पाकर सुमन को कैसा लगा? खुशी हुई। फिर चित्रों के सही नामों के सामने टिक लगाना था। मछुआ, कछुआ, बटुआ, ये किसका चित्र था? कछुआ का, तो हमने कछुआ के सामने टिक लगाया। ये है गुलाब, गुलाल, साबुन, तो ये किसका टिक है, किसका चित्र है? गुलाल का, तो हमने गुलाल के सामने। अब हम अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, चलो अभ्यास करेंगे। ये है हमारा चित्र, बतख, बुलबुल, बगुला। तो ये किसका चित्र है? ये बतख तो है नहीं, बुलबुल तो है नहीं, क्या है? बगुला। क्या है? बगुला। तो हमें कहाँ टिक करना है? बगुला पे। फिर ये किसका चित्र है? गुलाब। यहाँ देखिए जुराब, जुराब में सॉक्स होता है जो हम सूज के साथ पहनते हैं। गुलाल और गुलाब, तो ये किसका चित्र है? गुलाब। किसका है? गुलाब का। फिर दिया है प्रश्न नंबर 3, वाक्य पूरे कीजिए। दुबक, यहाँ देखो वाक्य पूरे करने के लिए 3 शब्द हमें दिए गए हैं जो इसमें से ढूंढकर हमें यहाँ करना है। गुलाब, सुबक, चूहिया। दुबक गई, कौन दुबक गई? चूहिया दुबक गई, ये कौन है? चूहिया, कौन है? चूहिया। तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? चूहिया, चूहिया दुबक गई। फिर चुन चुन कर लाई, क्या चुन चुन कर लाई थी? हम पढ़े गुलाब, क्या चुन चुन कर लाई? गुलाब, गुलाब चुन चुन कर लाई। फिर है गुड़िया रही थी, तो गुड़िया क्या कर रही थी? सुबक रही थी, सुबक मीन्स रो रही थी, गुड़िया सुबक रही थी, सुबक। तो हमें यहाँ से देख के लिखना है। अब ये देखो हमारा क्या है, हमने जितनी मात्राएं प्रश्न नंबर 4 में दिया है, पढ़िए समझिए और लिखिए। हमने जितनी मात्राएं सीखी हैं वो मात्राओं की खड़ी हमें लिखनी है। जैसे हमने आ की मात्रा सीख ली, छोटे एक की मात्रा सीख ली, ई की सीख ली और छोटा ऊ की भी सीखा है, अभी सीख रहे हैं, सीख लिया, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखना है, जैसे कक का, किक की, कुक, वैसे ग, हम ऐसे पहले ग ग लिख लेते हैं। ओके, ग ग ग, तो हमने सबसे पहले कौन सी मात्रा सीखी थी? आ की मात्रा, तो हम यहाँ स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे, तो गा। फिर छोटी ई की मात्रा, ऐसे इसके मात्रा लगा देंगे। फिर बड़ी ई की मात्रा, गी। फिर छोटा ऊ की मात्रा नीचे से, घूट। फिर उसके बाद है च, तो हम सेम ऐसे करेंगे, च च च च। तो फिर आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा,
छोटा उ की मात्रा, चच्चा चिच्ची चू। फिर ऐसे हम प प प प और प। फिर आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, पप्पा पिप्पी पू। फिर ऐसे स, फिर हम स स लिख देंगे, फिर हम मात्रा लगाएंगे, ओके। स स स स, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, ओके। तो ये हो गया ससा सिसी सु। तो देखो कक्का किक्की कु। अब देखो मात्रा इसमें जितना हमने सीखा वो कैसे लगा हुआ है। मात्रा देखो, आ की मात्रा तो आ, ऐसे स्टैंडिंग लाइन। छोटी की मात्रा, हमारा जो उच्चारण है वो बदल जा रहा है इसकी वजह से, पर मात्राएं सेम हैं, जैसे कक्का किक्की कु, फिर गग्गा गिग्गी गु, बट हमारा जो स्वर है जिसका उच्चारण सेम हो रहा है, चच्चा चिच्ची चु, पप्पा पिप्पी पु, सस्सा सिस्सी सु। तो ये हमारी हो गई, हमने जितनी मात्राएं सीखी अभी तक, हम चार मात्रा सीखे हैं, आ की, छोटे की, बड़े की, छोटा ओ की। तो ये चार मात्राएं हमें लिखनी थी। अब देखो प्रश्न नंबर 5 है हमारा, इनके नामों को पूरा कीजिए, इनके नामों को पूरा कीजिए। ये क्या है, किसका चित्र है, धनुष। तो ध और श तो दिया है, हमें क्या लिखना है, धनुष। न पे छोटा ओ की मात्रा नू, तो क्या हो गया, धनुष। ये किसका चित्र है, सुराही। किसका है, सुराही। तो स छोटा ओ की मात्रा सुराही। फिर ये किसका चित्र है, बुलबुल। किसका, बुलबुल। बुल दिया है, ल दिया है, तो हमें यहाँ ब पे छोटा ओ की मात्रा करके बुलबुल दे देना है। किसका चित्र है, धनुष, सुराही और बुलबुल। अब आगे देखो यहाँ, ये किसका चित्र है, ये तो सबको बहुत पसंद है ना फुटबॉल खेलना, ये है फुटबॉल। तो फ, फ पे छोटा ऊ की मात्रा फुटबॉल। फिर है ये कौन सा है, ये तो गर्ल्स को बहुत पसंद है ना डॉल गुड़िया, तो यहाँ ग पे छोटा ऊ की मात्रा गुड़िया, गुड़िया। ये कौन है, सजी सी दुल्हन। कौन है, दुल्हन। द पे छोटा ऊ की मात्रा दुल्हन। तो क्या हो गया, फुटबॉल, गुड़िया और दुल्हन। चलो अब हम एक्टिविटी करेंगे, गतिविधि, ओके। हंसते खेलते, हंसते खेलते हम एक एक्टिविटी करेंगे। देखो चित्रों में रंग भरकर उलट पुलट शब्दों को सही करके लिखिए, उलट पुलट शब्दों को सही करके लिखना है। ये किसका चित्र है, हमने शायद कहीं यहाँ आगे देखा है, ये रहा। ये किसका चित्र है, कछुआ। किसका है, कछुआ। तो ये उलट पुलट दिया है और इस चित्र में रंग भरना है, हम यहाँ से देख के रंग भरेंगे, ओके। कछुआ, अब यहाँ दिया है आछूक, तो ये उल्टा सीधा दिया। तो सबसे पहले हम इसका नाम सही करते हैं, क छ पे छोटा ऊ की मात्रा छू आ, तो क्या हो गया, कछुआ। और ये दिया है बुसान, बुसान। बट ये क्या है, साबुन है। क्या है, साबुन। साबुन से हम नहाते हैं ना, साबुन, ये साबुन है। अब इसमें हमें क्या करना है, उलट पुलट शब्दों को तो हमने सही करके लिख दिया, बट इसमें अब हमें रंग भरना है, ठीक है। कछुआ का रंग कैसा होता है हमने देखा आगे, उसमें से देख के इसको भरना है, ग्रीन और मिट्टी कलर होता है, वैसे कलर में कछुआ होता है। और साबुन, साबुन तो कई कलर के होते हैं, जैसा साबुन हो, बट इसको आपको कैसे रंग भरना है, इसमें जिस रंग के साबुन से आप नहाते हैं ना, उस रंग में इसको रंग भरना है। जैसे मान लीजिए आप इस समय कोरोना चल रहा है तो सब लोग डेटॉल से नहाते हैं, तो डेटॉल का कौन सा रंग होता है, ऑरेंज होता है, हल्का ऑरेंज टाइप का होता है डेटॉल। फिर लक्स अगर है तो वो किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। अगर नीम कांति है तो वो ग्रीन कलर का होता है। तो आप जिस रंग से भी नहाते हैं उस रंग में इसको आप, ठीक है, उस रंग में इसको भर लेना।
ये वही कलर में कलर करना है जिस कलर के साबुन से आप नहाते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है ये हमारी एक्टिविटी है, हंसते खेलते, जो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है एक्टिविटी, जिसको हम हिंदी में गतिविधि कहते हैं। ठीक है, चित्रों में रंग भरना है। कछुआ तो आपका आगे यहाँ दिया ही है, ये कछुआ ऐसे देख के आपको क्रेयॉन्स कलर से कलर करना है। ओके, क्रेयॉन्स कलर से ही कलर करना, वरना हमारी बुक खराब हो जाएगी। वाटर कलर यूज मत करना। साबुन ये आपकी चॉइस है, आपको किस रंग में करना है, आप किस तरह से साबुन से नहा रहे हैं उस रंग में इसको भर लेना। ठीक है, आज का होमवर्क हमारा है पेज नंबर 32 और 33 हमने किया, तो ये आपको टिक करना है। जो क्लास में मीन्स जो वीडियो में मैं बना के आपको दे रही हूँ वही होमवर्क है, क्लास वर्क एंड होमवर्क, क्योंकि सभी होम पे लिखना है आपको, इसलिए जो मैं लिख के आपको समझाई हूँ, जिसको एक्सप्लेन किया है, वही आपको घर पे करना है। जैसे ये किया, ठीक है, फिर ये भी करना है, यहाँ लिखना है, ये भी आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है, ये भी लिखना है, ये लिखना है, प्लस एक्टिविटी है। ओके बच्चों, ठीक है, अब ये दोनों पेज आपको घर पे करने हैं, यही हमारे क्लास वर्क है, यही हमारा होमवर्क है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे और अच्छे से करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। ओके, धन्यवाद। अच्छे से लिखना पढ़ना, जो कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कॉल करना। ओके, धन्यवाद।